लेके पूजा की थाली जो तुम मन की जगाली तेरी आरती उतारू बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारू बोली माँ। ओ माँ ओ माँ। YouTube चैनल तो मेरे फ्रेंड्स आज का वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगा माता वैष्णो देवी कटरा का ये पार्ट फोर वाला वीडियो जो लास्ट वाला वीडियो है। आप ऑलरेडी पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री वाला वीडियो देख चुके हैं। तो मेरे फ्रेंड्स सारे वीडियो को प्यार देने के लिए मेरे दिल से आपको शुक्रिया। तो मेरे फ्रेंड्स ये है पार्ट फोर वाला वीडियो जो आपको देखने को मिलेगा। भवन से भैरव जी का मंदिर का दर्शन हम आप सभी को कराएंगे और भैरव जी का मंदिर के ऊपर जाने के लिए आप रोड का सहारा ले सकते हो और एक चीज़ है जो लिफ्ट से भी जा सकते हो। लिफ्ट से अगर आप जाना चाहते हो तो उसका प्राइस आएगा 100 कुछ ऐसे प्राइस आता है जाने आने का। तो मेरे फ्रेंड्स चलो मेरी वीडियो पे ऐसे ही बने रहना लास्ट तक। अगर मेरी भी वीडियो आप सभी को भी अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जो भाई मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो उनको मैं बोलूँगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना और साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। जब मेरी न्यू वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आप देख पाओगे। तो मेरे फ्रेंड्स चलो बिना देरी किए आप सभी को वीडियो दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ठंड हो रहा है यार, क्या बताएं। अभी कितना टाइम हुआ है? आई थिंक मैं टाइम नहीं बता पाऊँगा क्योंकि फोन तो सारे कुछ अंदर है। तो वो ऐसे लगभग होगा 6-7 बजे। तो फ्रेंड्स क्या करो निकल के बाहर का व्यू थोड़ा दिखा देते हैं। फ्रेंड्स चलो पीछे का व्यू सब दिखा देते हैं आप सभी को। ये जो दिख रहा है ना वो ऊपर देखो, ये जो घर दिख रहा है ना आपको, बस उसके पास लिफ्ट से हम पहुंचेंगे नीचे से। तो मेरी फ्रेंड्स देख लो यार लास्ट वाला व्यू। जय माता रानी की जय। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं सीधा भैरव जी का मंदिर और लिफ्ट का मजा भी थोड़ा उस भी को दिखा देते हैं। फ्रेंड्स अभी हम जाने वाले हैं यहाँ से भैरव देवी और वो भी लिफ्ट से। तो मेरी फ्रेंड्स चलो दिखाते हैं लिफ्ट आपको और चलते हैं सीधा भैरव जी का मंदिर में। जाने के लिए लोग इस तरह लाइन करके खड़े हैं।
से टिकट कटवाना पड़ता है, फिर आप चल पाओगे लिफ्ट में। देखो यहाँ से स्टेशन आता है, फिर यहाँ से बैठ के सीधा इस तारों से ऊपर भैरव जी मंदिर के पास। फ्रेंड्स टिकट कटवाने के बाद आपको वे टू रुपये स्टेशन आना पड़ेगा, फिर यहां से आप लिफ्ट के सहारे बैठ के सीधा भैरवनाथ की दर्शन के लिए निकल जाओगे। हमारा भी बारी आ चुका है और हम लिफ्ट में बैठने के लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलो एंजॉय करते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स भैरव जी का मंदिर का दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि दोस्त यहाँ नहीं अलाउ नहीं होता है कैमरा वगैरह, तो हम नहीं दिखा पाएंगे, सॉरी। और ये चीज़ आप देखो मेरी फ्रेंड्स, यहाँ घोड़े सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ गड्डी नहीं आता है ना, इसीलिए घोड़े से लेके जाते हैं। तो मेरी फ्रेंड्स सॉरी आपको नहीं दिखा पाया, बट कोई नहीं, चलो आप सभी को पहाड़ का खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं और हेलीकॉप्टर पॉइंट का दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हेलीकॉप्टर आके लैंडिंग होता है, बिल्कुल देख पा रहे हो, जूम करके दिखाते हैं। और मेरी फ्रेंड्स अगर हेलीकॉप्टर पे आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपको 5000 कुछ ऐसे समथिंग प्राइस आएगा। तो मेरी फ्रेंड्स दूर से ही देखो जो यहाँ तार का जो जली लगा है, क्योंकि बाहर अंदर अगर कोई गिर जाएगा इसीलिए सेफ्टी ये लोहे का बना है जिंजर। तो फ्रेंड्स आपको चलो हेलीकॉप्टर भी दिखा देते हैं और ये पहाड़ों का नज़ारा भी आप बिल्कुल एंजॉय कीजिए। तो मेरे फ्रेंड्स चलो ऐसे ही वीडियो पे बने रहना लास्ट तक।
फ्रेंड्स भैरव का दर्शन तो अलाउ नहीं है क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है, कुछ भी नहीं है, रूल रेगुलेशन पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो मम्मू घर, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड्स अभी सीधा नीचे चलते हैं घर, चलो नीचे चलते चलते जो भी व्यू होगा आप सभी को मैं दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स हम माता जी का दर्शन करके अभी आ गए हैं, अभी आप सभी को लास्ट वाला जो व्यू यहाँ का है ये बाल गंगा है, ये नदी का थोड़ा अभी आप सभी को दिखा देते हैं। तो चलो फ्रेंड्स दिखा देते हैं। यार बाल गंगा सूख गया है यार फ्रेंड, फाइनली बाल गंगा है वो सूख चुका है और जितना भी पानी है वो सारे लोग नहा रहे हैं। देखो एक टाइम में ऐसे पानी आता था ना पूरा पत्थर को ऊपर आता था पानी। तो मेरे फ्रेंड्स चलो अभी घर जाने का टाइम हो गया है, इस साइड भी थोड़ा देख लो, इस टाइप का कुछ दिख रहा है बाल गंगा। तो चलो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो ये माता रानी का व्यू जितना भी वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और क्या पर्दाफाश कर देना।